स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम इन योर साइंस क्लास. स्टूडेंट्स, हम रिवीजन कर रहे हैं. ठीक है, रिवीजन किसका कर रहे हैं? लेसन नंबर 2. और लेसन का नेम क्या है? प्लांट्स अराउंड अस. ठीक है, कल हमने पार्ट डी के क्वेश्चन आंसर रिवाइज किए थे. आज हम क्या करेंगे? पार्ट ई के जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको रिवाइज करेंगे. ठीक है, लेसन कौन सा है? प्लांट्स अराउंड अस. ओके, हाँ जी बेटा, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका. ड्रॉ एंड लेबल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. हाँ जी बेटा, देखिए क्वेश्चन क्या है. आपने ड्रॉ करनी है डायग्राम प्लांट की, और उसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको भी लेबल करना है. ठीक है, तो ये आपका डायग्राम वाला क्वेश्चन है. ये हम नेक्स्ट टाइम रिवाइज करेंगे. ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है. राइट एनी थ्री फीचर्स ऑफ ट्रीज. क्वेश्चन क्या है कि थ्री फीचर्स ऑफ ट्रीज कौन से हैं, आपने वो राइट डाउन करने हैं. ठीक है, तो आंसर देखिए क्या है. थ्री फीचर्स ऑफ ट्रीज आर, कि जो थ्री फीचर्स हैं ट्रीज के वो कौन कौन से हैं. फर्स्ट है, स्टेम ऑफ ट्री इज वुडी एंड स्ट्रॉन्ग, कि ट्री की जो स्टेम है वो कैसी होती है? वुडी एंड स्ट्रॉन्ग. ठीक है, सेकंड देखिए, स्टेम ऑफ ट्री इज कॉल्ड ट्रंक, और ट्री की जो स्टेम है उसको क्या बोलते हैं? ट्रंक. थर्ड है, ट्रीज गिव शेड टू ह्यूमंस एंड एनिमल्स, कि ट्रीज जो हैं वो ह्यूमंस और एनिमल्स को क्या देते हैं? शेड. शेड्स का मतलब होता है बेटा छाया. ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है. राइट द डिफरेंस बिटवीन अ टोमेटो प्लांट एंड अ ग्रास, कि डिफरेंस वाला क्वेश्चन है. डिफरेंस बताना है टोमेटो प्लांट और ग्रास में. ठीक है, तो आंसर क्या है बेटा, देखिए अब डिफरेंस वाला क्वेश्चन है, इसको हम कैसे करेंगे? लाइन लगा के. ठीक है, वन साइड टोमेटो लिखेंगे और दूसरी साइड ग्रास लिखेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम टोमेटो के बारे में जानते हैं कि टोमेटो जो है कैसे प्लांट होते हैं. ठीक है, दे हैव थिन एंड वीक स्टेम, कि टोमेटो की जो स्टेम है वो कैसी है? थिन एंड वीक. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दीज प्लांट्स आर कॉल्ड हर्ब्स, और टोमेटो जो है किसका एग्जाम्पल है? हर्ब्स का. थर्ड है, दे लीव ओनली फॉर वन और टू सीजन, और ऐसे जो प्लांट्स हैं ये एक या दो सीजन तक ही रहते हैं. ठीक है, दूसरी साइड देखिए बेटा क्या है, ग्रास. फर्स्ट पॉइंट, दे ऑल्सो हैव थिन एंड वीक स्टेम, कि इनकी भी जो स्टेम है वह कैसी होती है? थिन एंड वीक. दीज प्लांट्स आर कॉल्ड एज क्रीपर्स, और ऐसे प्लांट्स को क्या बोलते हैं? क्रीपर्स. दे लिव फॉर वन सीजन, और ये एक ही सीजन तक रहते हैं. ओके, नेक्स्ट देखिए, वाई डू सम प्लांट्स क्रीप ऑन द ग्राउंड, कि कुछ जो प्लांट्स हैं वो जमीन के ऊपर क्यों क्रीप करते हैं? तो आंसर है आपका, सम प्लांट्स क्रीप ऑन द ग्राउंड बिकॉज दे हैव थिन एंड वीक स्टेम्स, कि कुछ जो प्लांट्स हैं जमीन के ऊपर क्रीप करते हैं. ठीक है, क्यों करते हैं? क्योंकि दे हैव थिन एंड वीक स्टेम, उनकी जो स्टेम है वह कैसी है? थिन एंड वीक. आपने कहाँ से लर्न करना है? बिकॉज से. ठीक है, बाकी जो पार्ट है आपका वो सारा क्वेश्चन में से लिया गया है. ठीक है, आपने बिकॉज के बाद वाला जो आंसर है वो ही लर्न करना है. ठीक है, तो बेटा ये थे आपके पार्ट ई के क्वेश्चन आंसर जो आज हमने रिवाइज किए. तो आपने जो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 जो हैं पार्ट ई के, इनको लर्न करना है. ठीक है, और अदर जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या है? आपका क्लास टेस्ट है, और क्लास टेस्ट जो है किसका है? पार्ट डी के क्वेश्चन आंसर का. ठीक है, पार्ट डी के जो क्वेश्चन आंसर हैं ये हमने कल रिवाइज किए थे. ठीक है, तो आपने नेक्स्ट थर्सडे को टेस्ट देना है, और टेस्ट किसका देना है? पार्ट डी के क्वेश्चन आंसर. पार्ट डी में बेटा ओनली 4 ही क्वेश्चन है. ठीक है, तो प्रिपेयर इट. ओके, थैंक यू स्टूडेंट.